मिशन 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और इसी यात्रा को लेकर और मजबूत करने के लिए आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस यात्रा में पैदल मार्च में शामिल हुई। कर्नाटक के मांड्या जिले में सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल हुई। राहुल गांधी के साथ उन्होंने पैदल मार्च किया। ये तस्वीरें आप देखें, सोनिया गांधी मांड्या पहुंची, वहां से वो राहुल गांधी के साथ उन्होंने इस पैदल मार्च में हिस्सा लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस तरीके से सोनिया गांधी ने जोश बढ़ाया। इस मौके पर कांग्रेस के सभी बड़े नेता भी मौजूद थे, उन्होंने सोनिया गांधी का स्वागत किया। भारत जोड़ो यात्रा का आज 29वां दिन है। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा कर्नाटक के मांड्या पहुंच चुकी है। मांड्या के बेल्लार में आज यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और आज मांड्या में पहुंची हैं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सोनिया गांधी राहुल के साथ पैदल मार्च करती हुई। इस मौके पर जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी पहुंचे। राहुल गांधी की यात्रा पिछले 29 दिनों से चल रही, आज 29वां दिन हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।